हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कंपेयर करेंगे हम सैमसंग गैलेक्सी A71 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A91 और पता लगाएंगे हम दोनों ही फोन में से आपके लिए कौन सा फोन लेना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बात करें हम दोनों ही फोन की डिस्प्ले की, तो आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A71 में 6.7 इंचेस का डिस्प्ले साइज और दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A91 में आपको मिलेगा 6.7 इंचेस का डिस्प्ले साइज। तो डिस्प्ले साइज आपको दोनों ही फोन में सेम सेम देखने को मिलेगा। बात करें हम स्क्रीन रिजोल्यूशन की और एस्पेक्ट रेशियो की, तो आपको दोनों ही फोन में स्क्रीन रिजोल्यूशन और एस्पेक्ट रेशियो सेम ही देखने को मिलेगा फुल एचडी प्लस का, और एस्पेक्ट रेशियो 20:9 एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा दोनों ही फोन में। बात करें हम डिस्प्ले टाइप की, तो आपको दोनों ही फोन में सुपर एमुलेट डिस्प्ले टाइप देखने को मिल जाता है। बात करें हम प्रोटेक्शन की, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A71 में प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट सैमसंग गैलेक्सी A91 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। बात करें हम सिक्योरिटी की, तो आपको दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और साथ में फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करें हम परफॉर्मेंस की एंड रैम की एंड स्टोरेज की, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A71 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A91 में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बात करें हम ग्राफिक्स की, तो आपको ग्राफिक्स सैमसंग गैलेक्सी A71 में एड्रीनो 618 का ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, और सैमसंग गैलेक्सी A91 में आपको एड्रीनो 640 का ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग गैलेक्सी A91 आगे रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और आपको यहाँ पे ग्राफिक्स भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एड्रीनो 640 का। बात करें हम रैम की, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A71 में आपको 6 GB रैम देखने को मिल जाता है, और सैमसंग गैलेक्सी A91 में आपको 8 GB रैम देखने को मिल जाता है। बात करें हम स्टोरेज की, तो आपको दोनों ही फोन में 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बात करें हम एक्सपेंड की, तो दोनों ही फोन में एक्सपेंड कर पाएंगे 512 GB तक। बात करें हम कैमरा की, तो आपको कैमरा मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A71 में क्वाड रियर कैमरा, जो कि पहला होगा 64 MP का, दूसरा होगा 12 MP का, तीसरा होगा 5 MP का, चौथा होगा 5 MP का, और दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A91 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि पहला होगा 48 MP का, दूसरा होगा 12 MP का, तीसरा होगा 5 MP का। बात करें हम सेल्फी कैमरा की, तो आपको सेल्फी कैमरा दोनों ही फोन में 32 MP का देखने को मिल जाता है। बात करें हम प्राइस की, तो आपको प्राइस सैमसंग गैलेक्सी A71 में 36,999 रुपये का प्राइस देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A91 में आपको 52,990 रुपये का प्राइस देखने को मिल जाता है। बात करें हम बैटरी की, तो आपको बैटरी सैमसंग गैलेक्सी A71 में 4,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और सैमसंग गैलेक्सी A91 में आपको 4,500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बात करें हम फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की, तो दोनों ही फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। बात करें हम USB टाइप सी पोर्ट की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करें हम ऑडियो जैक की, तो आपको दोनों ही फ़ोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको दोनों ही फोन में एंड्रॉयड V10 क्यू का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको दोनों ही फोन में से कौन सा फोन पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।